नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। आत्मनिर्भर भारत और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार फैसले ले रही है और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत पूरी दुनिया की 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां अगले 5 सालों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट तैयार करेंगी। इनमें से 7 लाख करोड़ का प्रोडक्ट निर्यात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां 30 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा करेगी। जानकारी के मुताबिक एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी पेगाट्रॉन, सैमसंग जैसी कंपनियों ने इस स्कीम के लिए आवेदन किया है। इन कंपनियों ने आने वाले समय में 11,000 करोड़ का भारी निवेश का वादा किया है। भारत को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट 31,000 करोड़ है और सरकार का मकसद इसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है। सूत्र ने कहा कि इस योजना के तहत प्रस्ताव जमा कराने वाली विदेशी कंपनियों में सैमसंग, फॉक्सकॉन, होनहई, रेजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन शामिल है। फॉक्सकॉन, होनहई, विस्ट्रॉन तथा पेगाट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट पर एप्पल आईफोन का प्रोडक्शन करती है। ताइवान की पेगाट्रॉन भारत में नई निवेशक है। वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन बिक्री कारोबार में एप्पल और सैमसंग का हिस्सा करीब 60% है। सूत्रों ने बताया इन प्रस्तावों के तहत अगले 5 सालों में 15,000 रुपए से अधिक कीमत के करीब 9 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं 15,000 रुपए से कम कीमत के 2 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन होगा। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित उत्पादन क्षमताओं से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की निर्यात मांग को भी पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली भारतीय कंपनियों में लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, माइक्रोमैटिक तथा पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। योजना के तहत लावा का अगले 5 साल में 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का इरादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।